MP7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। खबर की शुरुआत करते हैं छतरपुर से। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अरविंद वर्मा की यह खबर। नौगांव में वार्ड नंबर 5 की पार्षद मीरा सावंत सिंह के घर हुई फायरिंग। नौगांव थाने में हुई शिकायत। छतरपुर जिले के नौगांव में वार्ड नंबर 5 की पार्षद मीरा सावंत सिंह के घर हुई फायरिंग। रात करीब 1:15 बजे अज्ञात लोगों ने की फायरिंग। नौगांव थाने में हुई लिखित शिकायत। मीरा सावंत सिंह ने कहा, नगर पालिका नौगांव अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान पार्षद विष्णु स्वरूप नायक के साथ भी अभद्रता की गई थी, इसीलिए मुझे अंदेशा है कि यह घटना भी चुनाव को लेकर ही हुई है। उन्होंने घटना की जांच कराकर कार्यवाही की मांग की। छतरपुर से MP7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अरविंद वर्मा। कल रात को लगभग 1:15 बजे के आसपास 4-5 फायर की आवाज़ें आईं, तो हम लोग तत्काल वैसे 2 मिनट के अंतरकाल में, तो जैसे ही आवाज़ें सुनी तो सब लोग फटाफट उठ के बाहर आए। उसमें चूंकि रात का टाइम था तो नींद में भी कुछ लोग थे, बालक लोग हमारे जाग रहे थे, तो वो कमरे से बाहर निकले। इतने में देखा मोहल्ले के भी 5-7 लोग घरों से निकले, तो सब ने यही कहा कि नहीं, फायर हुए हैं। और कुछ ऐसे कृत तत्वों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, और हम चाहते हैं कि पुलिस विभाग अपने तरीके से इसकी छानबीन कर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए। घटना के बाद आपके द्वारा क्या कार्रवाई की है? घटना के बाद तत्काल मेरे छोटे पुत्र ने तत्काल TI साहब महोदय को और SP साहब को तत्काल रात में ही फ़ोन किया। तब तक मोहल्ले के काफ़ी लोग जाग गए थे और यही सब चर्चाएं हो रही थी, तो इस चौराहे से उस चौराहे तक कोशिश की गई कि वो लोग अगर मिल जाएं तो पुलिस के सपोर्ट किया जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ TI साहब महोदय पूरे स्टाफ के साथ वहाँ पहुँचे मौके पे, और उन्होंने पूरे घटनाक्रम को सुना और मोहल्ले वालों ने भी बताया कि हाँ, फायर हुए। हम लोग उसकी आवाज़ सुन के, गोली जैसी आवाज़ें आई 4-5 राउंड, तो फिर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि कैमरे वगैरह मोहल्ले में कुछ लगे हैं उनको देखा जाए, लेकिन 1-2 कैमरे वो बंद थे। इलाहाबाद बैंक है, वो रात में बंद रहता है, तो सुबह तक का इंतज़ार किया गया और उसके बाद यहाँ पे आके थाने में। इस तरह की घटना पर आपको किसी पर संदेह? संदेह ये है कि वर्तमान में नगर पालिका चुनाव हुआ है, तो जो अध्यक्ष का चुनाव नायक जी लड़ रहे थे उनके साथ भी कुछ लोग अध्यक्ष के प्रत्याशी उनके भाइयों के द्वारा अवध व्यवहार किया गया। वहाँ पे हम 4-5 लोग थे तो उनको बीच बचाव किया गया। इतने में पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको खदेड़ा और वहाँ से भगाया मारते हुए। ये घटना उसी चुनाव